अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी समीत बेग। टुडे आई एम हेयर विद सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोग आज के लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी एग्जांपल है। लेक्चर 23 है आपके पास। तो एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी अलाइव आफ्टर 10 ईयर्स टू कम इज 5/7। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी किसकी दी हुई है कि हमारे पास जो ए है वो हमारे पास अलाइव है आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद भी अलाइव है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या दी हुई है, 5/7। एंड फॉर बी इज 7/9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल डाई। फर्स्ट पे आपको पूछा गया है कि बोथ ऑफ देम विल डाई। सेकंड पे आपसे पूछा गया है ए विल अलाइव बी विल डेड। ठीक है, और थर्ड पे आपके पास पूछा गया है बी विल बी अलाइव एंड ए डेड। और फोर्थ आपके पास क्या फाइंड करनी है आपने, प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम विल बी अलाइव इन 10 ईयर्स टू कम। ठीक है, कि दोनों ए और बी जो हैं वो दोनों अलाइव हैं, 10 ईयर्स के बाद भी वो दोनों अलाइव हैं। ठीक है, ये आपने फॉलोइंग जो फोर आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपके पास 5/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास 7/9। तो यहाँ पर ये आपको अलाइव की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आप देख लें कि आपको अलाइव की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और लेकिन यहाँ पर आपसे प्रोबेबिलिटी हमें डाई की भी फाइंड आउट करनी है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई हमारे पास कैसे आ जाएगा कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो जाएगा, इसको हम ए बार से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, कि अलाइव की प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डाई की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो 1 माइनस 5/7 ये आपके पास आ गया 2/7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो है वो आपके पास आ गई 2/7। जो डाई की प्रोबेबिलिटी है ए की वो आपके पास है 2/7। इसी तरह आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डाई की प्रोबेबिलिटी भी आपने फाइंड कर ली, वो आपके पास आ गई 2/9। ठीक है, इस तरह आपके पास अलाइव और डाई दोनों की प्रोबेबिलिटीज अब आपने कैलकुलेट कर ली हैं कि ये आपके पास 4 प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें उसने आपसे पूछा हुआ है कि बोथ ऑफ देम विल डाई, कि वो जो दोनों हैं वो दोनों की जो है डेथ हो जाती है, बोथ ऑफ ए एंड बी की। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम विल डाई। ठीक है, इसका मतलब है कि ए एंड बी दोनों जो हैं वो दोनों जो हैं वो मर चुके हैं, मतलब डेथ होगी। तो ये आपके पास होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ठीक है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आ गया 4/63। ठीक है, कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट होकर आ गई कि जब बोथ ऑफ देम विल डाई, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 4/63। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, ए विल अलाइव एंड बी विल डाई। ठीक है, तो इसको आप किस तरह फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, क्योंकि बी विल डाई इसलिए बी बार, तो ए इंटरसेक्शन बी बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो ये आपके पास आ जाएगी 5/7 मल्टीप्लाई बाय 2/9। तो ये आपके पास आ गई 10/63। ठीक है, ये आपके पास फाइंड आउट होकर आ गया 10/63। ये 10/63 आपके पास प्रोबेबिलिटी किसकी है, ए विल अलाइव बी विल डाई। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और थर्ड पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा हुआ है कि बी विल अलाइव एंड ए डेड। ठीक है, तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार। ठीक है, क्योंकि बी अलाइव है इसलिए बी इंटरसेक्शन ए बार,
तो इसको जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार किया, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 9। 2 डिवाइडेड बाय 9 है प्रोबेबिलिटी बी विल अलाइव एंड ए डेड की। ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। और फोर्थ पार्ट में उसने आपसे पूछा था कि बोथ विल अलाइव, ठीक है, कि मतलब ए एंड बी दोनों अलाइव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज हमने पहले फाइंड की हैं, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 9 को हमने जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आ गया 5/9। ठीक है, इस तरह आपके पास ये चारों प्रोबेबिलिटीज फाइंड होकर आ गई कि बोथ बोथ ऑफ देम विल डाई की, वो आपके पास 4/63 आ गई, और ए विल अलाइव बी विल डाई वो आपके पास आ गई 10/63, और बी विल अलाइव एंड ए डेड इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/9, और बोथ विल बी अलाइव की प्रोबेबिलिटी है 5/9। ठीक है, यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल ये वाली सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी डाइस विल बी थ्रोन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1/6 इज एटलीस्ट 0.99। ठीक है, उसने आपसे क्या यहाँ पे पूछा हुआ है कि हमें कितने डाइस थ्रो करने हैं, ये प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1/6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, कि उसका आंसर जो है वो हमारे पास एटलीस्ट 0.99 के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये उसने आपसे एग्जांपल में पूछा हुआ है। तो इसका आप सॉल्यूशन हम देखते हैं। उसने कहा नंबर ऑफ डाइस इक्वल्स टू एन, मतलब कि हमने नंबर ऑफ हो मैनी डाइस, ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ डाइस फाइंड करने हैं, तो हमने एन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कमिंग अप इन अ डाई, देन पी इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, उसने यहाँ भी कहा हुआ है ना कि ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1/6। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें से हमने एक आउटकम को सिलेक्ट किया जो कि 6, तो इसलिए हमारे पास जो पी है वो हमारे पास आ गया 1/6। ठीक है, और यहाँ पर जो क्यू है, क्यू आपके पास आ गया कि 1 - 1/6। ठीक है, क्यू वो होगा कि जिनमें से हमने पी को माइनस किया हुआ होगा, 1 - 1/6, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/6। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1/6 कम्स अप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.99। ठीक है, उसने ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एटलीस्ट 1/6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है एटलीस्ट 0.99। ठीक है, मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू 0.99। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट किसकी करनी है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसके लिए। ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हमने पहले भी देखा है कि हमारे पास जो है जब एटलीस्ट की कंडीशन होती है तो उसके अंदर हम 1 - प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो जब हमने 1 - जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फार्मूला है, एन कॉम्बिनेशन एक्स पी की पावर एक्स और इंटू क्यू की पावर n - x। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला के अंदर जब हमने इसकी वैल्यूज पुट की, हमारे पास n तो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो n जो है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, और x की जगह पर हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो n कॉम्बिनेशन 0, 5 - 6 की पावर n - 0 और मल्टीप्लाई बाय 1 - 6 की पावर 0। ठीक है, इस सारे को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, इक्वल टू 1 - 5 - 6 की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास जो 1 - 5 - 6 की पावर n है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट होकर आ गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1/6 की। ठीक है, तो इसको जब हमने जब हमें पता है कि एटलीस्ट 1/6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है एटलीस्ट 0.99। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन के अंदर जब हमने इसको पुट किया है तो इसको जब सिंप्लीफाई किया
तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर n लेस देन इक्वल टू 0.01, ठीक है। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हमने, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो हमें फिर लॉग लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि n पावर में है इसलिए हम उसका लॉग लेंगे, तो n लॉग ऑफ 5/6 आ जाएगा। और जब लॉग हम लोग लेते हैं तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, तो वो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो लॉग ऑफ 0.01, ठीक है। इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आपके पास क्या आ गया, n इक्वल टू 26, ठीक है। आपके पास 26, अब ये 26 आपको क्या शो कर रहा है, 26 डाइस मस्ट बी थ्रोन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1/6 इज एटलीस्ट 0.99। उसने पूछा था कि आपको कितने डाइस चाहिए होंगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1/6 की जो है वो एटलीस्ट 0.99 हो। तो हमें 26 डाइस चाहिए होंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी जो ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1/6 है वो एटलीस्ट 0.99 के इक्वल हो, ठीक है। हमें 26 डाइस चाहिए होंगे, एंड हमारे पास फाइंड आउट होकर आ गया इस एग्जाम्पल में 26। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड 4 व्हाइट एंड 5 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप्स की बॉल्स हैं, 4 हमारे पास रेड हैं और 4 जो हैं वो व्हाइट हैं और 5 ग्रीन हैं, ठीक है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स टूगेदर, और आपने 3 बॉल्स जो हैं उनको आपने इकट्ठे जो है वो ड्रॉ करना है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मे बी ऑल ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड सेकंड आपके पास क्या पार्ट है, ऑल ऑफ द सेम कलर्स, ठीक है। इन दो की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन में आपके पास जो टोटल बॉल्स हैं, ठीक है, 4 + 4 + 5, ठीक है, 4 रेड हैं, 4 व्हाइट हैं और 5 ग्रीन हैं। इनको जब आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाता है 13, ठीक है, 13 combination 3, क्योंकि आपने 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी है इसलिए आपके पास 13C3। तो 13C3 जो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 286, ठीक है। आपके पास एन ऑफ एस जो है वो आ गया 286। अब हमारे पास फर्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी थी, ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। हमने लेट किया कि ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट मे बी ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और जब ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स होंगी इसका मतलब है कि हमने एक बॉल जो है वो रेड में से ली होगी, एक जो है वो व्हाइट में से ली होगी और एक जो है वो हमने ग्रीन बॉल्स में से बॉल सेलेक्ट की होगी, ठीक है। फिर ही हमारे पास जो है वो डिफरेंट बॉल्स हो जाएंगी। तो हमने, हमारे पास जो एन ऑफ ए है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 combination 1, ठीक है, कि आपके पास 4 रेड बॉल्स थी उसमें से आपने एक सिलेक्ट कर ली, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 combination 1, क्योंकि आपके पास व्हाइट भी 4 बॉल्स थी इसलिए 4 बॉल्स में से आपने एक को सिलेक्ट किया तो 4 combination 1, और आपके पास जो ग्रीन बॉल्स थी वो थी आपके पास 5, ठीक है। जब आप ग्रीन 5 बॉल्स में से एक बॉल सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, 5C1, ठीक है। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 80, ठीक है, आपके पास एन ऑफ ए जो है वो 80 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या होगा, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो जो सैम्पल पॉइंट्स जो आपके पास हैं वो हैं 286 आपके पास फाइंड आउट हो गया है, और एन ऑफ ए जो ए के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 80। तो आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 286, तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया ये किसके इक्वल आ गया, 40 डिवाइडेड बाय 143, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बॉल्स, ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। इसके दरम्यान में जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में एंड होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कि हमने ये इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या किस क्या डिनोट किया हमने, कि हमारे पास जो
थ्री डिफरेंट बॉल्स थी, उसके अंदर हमने जो एक बॉल थी वो हमने रेड में से सिलेक्ट कर ली, एंड ठीक है, एंड हमने जो सेकंड बॉल है वो हमने वाइट में से सिलेक्ट कर ली, और जो हमारे पास एंड, ठीक है, एंड हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, ग्रीन हमारे पास फाइव बॉल्स थी उसमें से हमने एक बॉल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट को अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट में हमने लेट किया, बी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, कि आपके पास जो तीन बॉल्स आपने सिलेक्ट करनी है वो आपके पास है सेम कलर की, ठीक है, और सेम कलर आपके पास तीन कलर की बॉल्स हैं, आपके पास रेड वाइट एंड ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो अब आपके पास एन ऑफ बी जो है, एन ऑफ बी आपके पास क्या आएगा, के 4C3 और 4C3 और 5C3, ठीक है, के आपके पास या तो तीनों की तीनों बॉल्स जो हैं वो रेड होंगी, या आपके पास तीनों बॉल्स जो हैं वो वाइट होंगी, या फिर आपके पास जो तीनों बॉल्स हैं वो ग्रीन में से होंगी, ठीक है। तो इसको जब आप इनके दरमियान में और आ रहा है तो इसको जब आपने सम किया, ठीक है, इनको ऐड किया जब आपने, तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया 18, ठीक है, आपके पास एन ऑफ बी जो है वो 18 के इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या आ गई, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, 18 डिवाइडेड बाई 286 इक्वल टू, सिंप्लीफाई होकर आ गया 9 डिवाइडेड बाई 143। 9 डिवाइडेड बाई 143 आपके पास किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, दैट ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, कि आपके पास जो तीन बॉल्स हैं, तीन बॉल सेलेक्ट करनी थी आपने, तो जो तीन बॉल्स हैं वो सेम कलर की हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपकी एग्जांपल सॉल्व हो जाती है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बॉल्स की भी सेलेक्ट फाइंड की और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर बॉल्स की भी फाइंड की है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में वो आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 मैन एंड 8 वुमेन, आपके पास 6 मैन है और 8 वुमेन का एक ग्रुप है, उसमें से 5 पीपल आर चोजन एट रैंडम, ठीक है, उसमें से 5 जो पीपल हैं वो सिलेक्ट किए हैं एट रैंडम, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर मैन चोजन देन वुमेन। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, कि हमने जो मोर मैन चूज करने हैं वुमेन से, हमने ज़्यादा मैन को चूज करना है, ठीक है, इस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसके सॉल्यूशन में आप देखें कि आपके पास एन ऑफ एस जो सैम्पल पॉइंट्स होंगे वो आपके पास क्या होगा, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस आपके पास होगा 14 कॉम्बिनेशन 3, आपके पास जो टोटल ग्रुप में मेंबर्स हैं वो है 14, ठीक है, 8 वुमेन हैं और 6 मैन हैं, ठीक है, तो 14 आपके पास जो है वो ग्रुप में मेंबर्स हैं, और इसमें से आपने सिलेक्ट कितने लोगों को करना है, 5 पीपल को, तो 14C5 ये आपके पास आ गया, 2002 आ गया आपके पास। तो आपके पास लेट ए बी द इवेंट डिनोट्स दैट देयर आर मोर मैन चूजन देन वुमेन। हमने प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि मोर मैन आर चूजन देन वुमेन, कि मैन जो है ज़्यादा सिलेक्ट होंगे वुमेन से। तो यहाँ पर एन ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, 6C3 मल्टीप्लाई बाय 8C2। हम लोगों ने 5 जो पीपल हैं सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो ये इसको हम हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास जो 8 वुमेन हैं और 6 मैन हैं, ठीक है, कि हम 6 मैन जो हमारे पास 6 मैन हैं उसमें से हम 3 मैन चूज कर लें और 2 वुमेन चूज कर लें, ठीक है। अब भी हमारे पास जो मैन हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब 3 हैं और वुमेन 2 हैं, ठीक है, ज़्यादा हो गए यहाँ पे भी। और सेकंड पे हमने क्या किया, 6C4 मल्टीप्लाई बाय 8C1, ठीक है, कि अगर हम 1 वुमेन सिलेक्ट कर लेते हैं और 4 मैन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, या इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि हम जो 5 मैन सिलेक्ट कर लें, ठीक है, CC5 मल्टीप्लाई बाय 8C0, कि हम वुमेन में से 0 वुमेन को सिलेक्ट करें, हम किसी भी वुमेन को सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 8C0। तो आपके पास एन ऑफ ए जो है वो आपके पास आ जाएगा 686, ठीक है। तो आपने ए की प्रोबेबिलिटी आपने क्या फाइंड आउट करनी है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है, 686 डिवाइडेड बाय 2002। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया आपने तो इसका आंसर आ गया 49 डिवाइडेड बाय 143।
43, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ गई कि मोर मैन चूजन देन वुमेन, ये आपके पास क्या आ गई, 49 डिवाइडेड बाय 143।